नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीजू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET MA हिस्ट्री कोर्स के बारे में। इसका कोड क्या है और पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इट मींस कि एक वीडियो देखने के बाद एक दो वीडियो और देखना पड़ेगा, जिसके बाद आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के आप लोग का अगर एम है कि आप CUET के थ्रू अपने मन चाहे विश्वविद्यालय में MA हिस्ट्री का कोर्स करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हर एक पॉइंट्स आपके इस माइंड में रखने वाला हूँ, जिससे कि आपका कोई डाउट बचे ही ना। ठीक है, सो बीजू पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो यू कैन कॉमेंट्स इन कॉमेंट बॉक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है BHU MA हिस्ट्री के बारे में। ध्यान देना, CUET जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरे देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्रॉक्स ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटी को भी CUET PG एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है। तो ऐसे में मैं यहां पे पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं कि हम लोग इसमें BHU MA कोर्स के बारे में जानेंगे। BHU में आप MA हिस्ट्री करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको देखना है। इसके बाद JNU में देखूंगा, DU देखूंगा, आपका डिमांड होगा कि सर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए लाइए कि क्या सिलेबस है, तो मैं उसका अलग से ले आऊंगा, क्योंकि हर किसी का पेपर पैटर्न और सिलेबस अलग अलग है। ठीक है, मतलब माइंड लगाना पड़ेगा कुल मिला के। ओके, ऑफिशियल सिलेबस डिस्कशन हम लोग करेंगे जो कि CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिकमेंडेड है। ओके, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे मैं आपके लिए पहले ही 2023 का कोड मेंशन किया हूं। ध्यान देना, ये कोड 2022 से 2023 में डिफरेंट है, बहुत सारे कोर्सेज के बदलाव हुए हैं। इसी बेसिस पे हम लोग इस बार का जो कोड है उसको फोकस करेंगे। तो ये कोड है HUQP09। इसका हम लोग ऑफिशियल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनिमाइज करिए, आप गूगल पे जाइए और यहां पे आप ओपन करिए। ओके, एक मिनट, ये वाला देखो, यहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 398। टोटल 800 पेज का इन्होंने आपका प्रोस्पेक्टस दिया है, जिसमें 398 नंबर पे, ठीक है, जाओगे तो यहां पे 127 नंबर यानी 127 पे आप देखोगे तो यहां पे MA हिस्ट्री लिखा हुआ है। कोड है HUQP09, ठीक है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहां पे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कहता है कि 50% मार्क्स आपका होना चाहिए UG लेवल पे। ध्यान देना, कोई भी आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें UG लेवल पे 50% आप अगर हो तो आप इसको किसका पेपर दे सकते हो। लेकिन अब एज ए BHU स्टूडेंट मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा, जो कि आपको शायद कहीं सुनने देखने को ना मिले। आप BHU से जब MA करना चाहोगे तो ऐसे में BHU ऑनर्स पेपर मांगता है, कहता है कि आप UG में अगर 3 साल की पढ़ाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में किए रहोगे तभी आप MA कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपको MA हिस्ट्री करना है BHU में, तो ऐसा नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो आप आके कर लोगे, या आपने ज्योग्राफी लेके पढ़ाई करी है 3 साल एज ए BA और आप आके MA हिस्ट्री कर लोगे। यहां पे सीटें रिजर्व रहती है कुछ कोर्सेज में, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का बुलेटिन जाके पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे यूजी में हिस्ट्री पढ़ते आए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे किसी और विषय की पढ़ाई कर रहे थे, किसी और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर रहे थे और अब वो MA हिस्ट्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बार यूनिवर्सिटी बुलेटिन को पढ़ना पड़ेगा, जो कि BHU के पोर्टल पे आएगा। डाउट क्लियर हो गया। आइए हम लोग जानते हैं इनका पैटर्न, यानी कि जो CUET BHU MA हिस्ट्री का पैटर्न है वो क्या है। तो वो कहता है कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देंगे यहां पे वो देंगे 100, यानी 100 क्वेश्चंस ये लोग देंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका पार्ट वन होगा और 75 क्वेश्चन जो होगा वो आपका पार्ट टू होगा। ठीक है, यहां पे इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम लोग जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में लेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका ये पार्ट ए किसी और दिन होगा, पार्ट बी किसी और दिन होगा, कहीं और सेंटर होगा, किसी ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ही समय एक ही सेंटर पे ये दोनों पार्ट के पेपर देने हैं। पार्ट ए जो है वो है आपका एप्टीट्यूड सेक्शन का, किसका है, एक तरह से आप इसको समझो एप्टीट्यूड सेक्शन का पेपर है ये। ओके, और हम लोग पार्ट बी की बात करें तो ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, इट मींस कि आपका डोमेन है। जैसे कि आप MA हिस्ट्री करना जा रहे हो तो यहां पर आपसे पूरे क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, समझ गए आप।
पार्ट ए में आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पार्ट बी आप एमए हिस्ट्री करने जा रहे हो तो आपसे हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं तीसरा स्लाइड बताने से पहले बीएचयू पाठशाला पे रन कर रहे कोर्स के बारे में बता दूं। ठीक है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके 95198332 9519383272 इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप करके डेमो क्लास ले सकते हो। यहाँ पे बीएचयू पाठशाला का आपको यूट्यूब पे भी डेमो मिल जाएगा। ठीक है, आप बस कुछ मत करो, बीएचयू यूट्यूब पे जाके एमए हिस्ट्री बीएचयू पाठशाला सर्च करो और आप देखोगे कि यहाँ पे टॉप स्टॉक के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और बहुत सारे ऑफिशियल सिलेबस, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऑफिशियल सिलेबस डिस्कशन है 10 मिनट का, एक इनका वीडियो बहुत बड़ा है 43 मिनट्स का। अगर आपको डीप पूरा सिलेबस चाहिए तो आप इन मैम का यहाँ पे 43 मिनट्स का वीडियो देख सकते हो। तो मैं कह रहा था कि आपको क्या करना है, बस आपको सर्च करना है एमए हिस्ट्री बीएचयू पाठशाला, इतना सर्च करोगे इनका पूरा वीडियो आ जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां लिंक डाल दूंगा। और ये मैम ने पूरा कोर्स भी पढ़ाया है, आप उस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। मैंने आपको प्रोसीजर दिखा दिया कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आइए बात करते हैं पार्ट ए में आने वाले जो पोर्शन है वो कौन कौन से हैं। पार्ट ए में आपके इंग्लिश के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना कि पार्ट ए अब जो भी बच्चे ले रहे हैं, लेना तो पड़ेगा ही भाई, वो कंपलसरी है, तो पार्ट ए में इंग्लिश कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके पास हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, ऐसे में बीएचयू पाठशाला पे पार्ट ए भी आपको दिया जाएगा, इंक्लूडेड है पार्ट बी के साथ। जैसे कि हमारे यहाँ पार्ट ए अगर आप परचेज करते हो तो पार्ट बी ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, इंग्लिश के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसके कम से कम 10-12 लेक्चर्स जो हैं वो आपके दिए जाएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी ऐड किया जाएगा। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ इसमें एक आप ऐड कर लेना वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, यहीं पे आप लोग ऐड कर लेना सीए, इट मींस कि करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज मिक्स करके 8 मान लो मैक्सिमम 8 क्वेश्चन दोनों मिला के यहाँ पे लगभग ये लोग देने वाले हैं। ठीक है, टोटल कितना वेटेज है 25 क्वेश्चन का। लास्ट में मैंने लिखा है रीजनिंग एंड मैथ्स, बेसिक मैथ्स। मैथ्स दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। एडवांस मैथ्स यहाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अर्थमेटिक मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। ये भी बीएचयू पाठशाला पे पार्ट फर्स्ट के प्रिपरेशन में अवेलेबल है, साथ ही साथ बेसिक रीजनिंग इसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा। जो भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जो कि एनटीई के द्वारा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके फेवरेट हैं, वो सब इसमें कवर किया गया है। और ये आपका टोटल मिला के 25 क्वेश्चन जो है वो पूरा करता है, यानी 25 क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। ध्यान देना कि अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके डीप में जाओगे तो काफी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि 25 क्वेश्चंस के लिए बस उतना ही पढ़ाओ जितने से उनका काम चल जाए। बेसिकली फोकस कहां करना है, फोकस आपको यहां पे करना है, इस वाले पोर्शन पे, डोमेन पे, क्योंकि यहां जो वेटेज है वो 25 क्वेश्चंस का है, 75 क्वेश्चंस का वेटेज है भाई, तो ऑफ कोर्स यहां पे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। पार्ट बी जो है ये आपका स्पेसिफिक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका स्पेसिफिक कहलाता है, ध्यान देना स्पेसिफिक है, डोमेन है, 75 क्वेश्चंस का वेटेज है, मार्क्स ज्यादा होगा तो यहां से मेरिट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा मेरिट बनेगा। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होता है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहां पर सबसे पहले क्या है, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जो है आपसे पूछा जाएगा, मिडावल हिस्ट्री ये आपसे पूछा जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री ये आपसे पूछा जाएगा एज ए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन सीयूटी एमए बीएचयू हिस्ट्री में। लेकिन यहां पे एक डाउट क्लियर कर दूं मैं, यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पे आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, ध्यान देना वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपसे पूछा जाएगा। हाँ, एक डाउट और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये मैंने बस आपको बताया है, क्योंकि ये इसलिए बताना पड़ रहा है, जैसे कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि सर हम तो एंशियंट से किया हुआ है, जैसे यूजी में एआईएससी किया हुआ है, लेकिन आप जब बीएचयू में एमए करने आओगे तो यहाँ पे मिडावल अलग नहीं है, एंशियंट तो अलग है एआईएससी के नाम से, लेकिन एंशियंट के नाम से नहीं है। लेकिन जब आप हिस्ट्री एमए करने जाओगे तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसीलिए मैंने बताया कि एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री ये पूरे के पूरे आपके सिलेबस में है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके इस मैम के पढ़ाए गए लेक्चर्स में अवेलेबल है। आप आराम से इतने सारे लेक्चर्स इनके फ्री में देख सकते हो। बाकी बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ओके,
कोड बेसिकली ध्यान देना, फॉर्म की लास्ट डेट है 19 अप्रैल, बाद में पोस्टपोन हो भी सकता है, इट मींस की एक्सटेंड हो सकता है, बट श्योर नहीं। आप समय रहते फॉर्म को भरें और अच्छे से पढ़ाई करें, आपका ज़्यादा समय नहीं है। मैं समझता हूँ 2.5 महीने मैक्सिमम, मतलब मई के बाद आपके एग्जाम होने की प्रॉबिलिटी है। बाकी बी एच यू पाठशाला देखते रहें, ऑफिशियल अपडेट आते मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका पेपर कब होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, बी एच यू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करें, मुस्कुराते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।